नमस्कार, हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज पर अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। खबर की शुरुआत से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल की हर ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो शिक्षा विभाग जल्द एक प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों को जो है जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको स्कूल बुलाने संबंधित कुछ प्रावधान किए जाएंगे। इसी बीच आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया है, अब इसको जो है आगामी कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। और इस प्रस्ताव में दोस्तों जो जिनको जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिन भी स्टूडेंट्स की यानी 9वीं से 12वीं कक्षा के जितने विद्यार्थी हैं उनको जो है 50% की क्षमता के साथ स्कूल बुलाने पर विचार किया जाएगा। रोटेशन में उनकी क्लासेस होगी या कुछ ऑड इवन का यहाँ पे सिस्टम होगा, ये सब कुछ जो है वो प्रस्ताव में प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए फिलहाल के लिए जो वो स्कूलों को आगे बंद रखने का ही प्रस्ताव जो है वो सरकार को सौंपा जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो कोविड की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को जो खोला जाए। तो 1ली से 8वीं तक के जितने बच्चे उनके लिए ये प्रपोजल तैयार किया गया है कि उनके लिए स्कूलों को बंद रखा जाए। अब इस पर अंतिम मंजूरी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट बैठक में दी जाएगी, उसके बाद जो है कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा कॉलेज पर आपको बताते चले कि कॉलेज में भी ऑलमोस्ट सभी की वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे में कॉलेज पर भी जो है 4 फरवरी तक अभी बंद है, तो ऐसे में 3 फरवरी को जो है कॉलेज पर भी बड़ा फैसला होगा। और आपको बताते चलें कि कॉलेज में भी जो है इसी तरह से बच्चों को जो है उसको कॉलेज बुलाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं कि ऑड इवन के हिसाब से जो है कक्षाओं को कॉलेज बुलाया जाए, क्योंकि अभी असाइनमेंट वर्क्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स हैं और अदर जो भी यहाँ पे HPO की ओर से रहता है वो सभी कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना है। ऐसे में जो है वो शिक्षा विभाग जो है इस बार कोविड की स्थिति में भी जो है वो जो स्कूल कॉलेज है वहां पर जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको कॉलेज स्कूल बुलाने की तैयारी में है। बाकी यहां पर कैबिनेट में ही अंतिम फैसला इस पर लिया जाएगा। तब ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, बड़ी खबर आप लोगों के लिए थी। उम्मीद करता हूं आपको खबर अच्छी लगी, तो ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।